सीतामढ़ी जिले के नानपुर अंचल कार्यालय के कई अधिकारी और कर्मचारी पर नानपुर उत्तरी पंचायत के नानपुर गांव निवासी मोहम्मद गुड्डू ने आरोप लगाते हुए अंचलाधिकारी को लिखित आवेदन देकर बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही उन लोगों पर जांच करते हुए कार्रवाई की मांग की है। अपने आवेदन में गैर कानूनी ढंग से बिहार सरकार के जमीन को सामान्य जाति एवं संभ्रांत लोगों को बंदोबस्ती करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि नानपुर अंचल अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में भू माफियाओं द्वारा गैर कानूनी ढंग से फर्जीवाड़ा कर बिहार सरकार की जमीन को भूमिहीन के बजाय संप्रभांत एवं सामान्य जाति के लोगों के नाम से 4D से लेकर 6D तक जमीन की बंदोबस्ती वर्ष 1988 से 89 में कर पर्चा दिया गया है। सरकारी नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा जाति के भूमिहीन को 3D जमीन बंदोबस्ती का प्रावधान है, लेकिन भू माफियाओं द्वारा बड़े पैमाने पर पैसे की उगाही कर फर्जी तरीके से सामान्य जाति को बंदोबस्ती कर सरकारी भूमि को हड़पने का कार्य किया गया है, जो सरकारी नियम के विरुद्ध है। जाहिदपुर बहेड़ा पंचायत के लोहेठा गांव निवासी मोहम्मद मुर्शीद सहित कई लोगों ने बताया कि पहले मुहर्रम का इनाम बाड़ा था और मोहल्ले की बारात रुकती थी, लेकिन सफ़ी अहमद ने गलत तरीके से उस ज़मीन को अपनी पत्नी समरूल खातून के नाम बंदोबस्ती करवा लिया है। वहीं सफ़ी अहमद के पुत्र मोहम्मद जावेद ने बताया कि ये लोग जानबूझकर हम लोगों को उलझा रहे हैं और ये ज़मीन मेरी माँ के नाम से बंदोबस्ती है और पिछले कई साल से मेरे कब्जे में है। मैंने अंचल अधिकारी को पूरा कागजात दिया है, मुझे पूरे यकीन है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। इस मामले को लेकर अंचल अधिकारी सुमित कुमार यादव से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, इसकी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये जो है ना, ये बंदोबस्ती फर्जी हो रहा है। ये नसीमा खातून पति मोहम्मद मसलेउद्दीन नानपुर उत्तरी वार्ड नंबर 3 का कहानी है। ये ऑलरेडी 2012 तक किसी के नाम से रसीद कट रहा है और ये नसीमा खातून को 1988 में बंदोबस्ती करके बजाते ऑनलाइन चढ़ा के दे दिया। इन लोगों को एक वॉल्यूम खाली मिल गया 1988 वाला। अच्छा। इसमें सीओ साहब शामिल नहीं है, मेरे गांव का अजमत अली, कर्मचारी चंदमौली, ये सब शामिल है। सीओ साहब को कान कान तक पता नहीं है इसका। अच्छा। मगर बड़े पैमाने पे ये बंदोबस्ती करके ये केस एक नानपुर का है, लोहेठा का है, ठीका का है, मजहौर का है, ऐसे 2900 बंदोबस्ती किया गया है और सबसे 2-2 लाख अढ़ाई लाख रुपया लिया गया है और सबके पास ज़मीन है, कोई भूमि ही नहीं है और सब जातीय शेख है। अच्छा। सब जातीय शेख है, किसी के पास ज़मीन सब, कोई 15 कट्टा, कोई के पास 20 कट्टा, सबका पेपर है मेरे पास, सारा मैंने निकाल रखा हूँ। मैंने DM साहब को भी भेजा, DCR साहब को भेजा और CO साहब को मैंने बोला, तो CO साहब लिखित आवेदन मांगे, मगर यहाँ ब्लॉक में ओरिजिनल काम तो एक भी नहीं हो रहा है। अच्छा, 2012 तक रसीद कट रहा है। हाँ, तो उसका बंदोबस्ती कैसे? ये 1988 में कर दे, ये पेपर है मेरे पास, 1988 में बंदोबस्ती कर देंगे। ये देखिए 1988 में, ये देखिए कहाँ गया, एक मिनट देखिए, ये नसीमा खातून ने पति मसलेउद्दीन है, ये 4 डिसमिल है, जो 3 डिसमिल होना है, 3 डिसमिल होना, वो अति पिछड़ा जाति को होना है, सामान्य जाति को, बड़ी जाति को नहीं होना। मगर इसके पीछे मैं कितने दिन से सबको कॉल, कोई सुन नहीं रहा। DM साहब को भेजा, वो भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। अभी CO साहब बोले कि जाँच हो, अभी इसी कारण में लोहेठा में मारपीट हो गया। हाँ। लोहेठा का वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ मारपीट हो गया कि मेरा ज़मीन में बाउंड्री करूँगा। मैंने DM साहब को वीडियो भेजा उनका, वीडियो दिखा रहा है आपको, एक मिनट होल्ड कीजिए। सफ़ी अहमद जातीय शेख है, इनका लोहेठा में ऑन रोड ज़मीन है 5 कट्ठा और खेती का ज़मीन है 20-25 कट्ठा, तो ये कैसे भूमिहीन हो गए? अच्छा। ये मेरे गांव का अजमत अली कंटिन्यू सबका बंदोबस्ती कर रहा है, ये इस चक्कर में वो परसों मार भी खाया है नानपुर में। अच्छा। बहुत सारा गंडोगोल है नानपुर ब्लॉक में, मगर CO साहब तो सुनते हैं, बोलते कर देते कर भाई, मगर बंदोबस्ती वाला में CO साहब कोई नहीं है। इसमें कर्मचारी जितने हैं सब कर्मचारी के हाथ में सब बंद प्राइवेट बॉडी काम करता है, क्यों करेगा प्राइवेट बॉडी, क्यों देखेगा रजिस्टर टू सब। अच्छा, बहुत मेहनती है, बहुत रात में काम, रात में तो उनको फर्जीवाड़ा करना है, कर्मचारी साहब को रात में फर्जीवाड़ा करना, सब अपना अपना डेरा के बाहर रूम ले रखे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुड्डू, घर नानपुर उत्तरी वार्ड नंबर 2। इन लोगों ने हमको कहा था सवेरे, हम उठ के वहाँ गए, वहाँ झंझट हुआ, वहाँ से मिस्त्री सबको बोला गया कि भाई ये काम को रोक दिया जाए, और सफियामा साहब ही बात हुई तो हम कहा कि देखिए इसमें विवाद की जरूरत नहीं है, 2 बजे अमीन आएगा, आप लोग उसको अपना समझ लीजिए, लेकिन अमीन आज 2 बजे नहीं आ सका, कल सवेरे आएगा, क्योंकि एक जगह ओनापी में है तो उसने कहा कि यहाँ का भी किल लेने हुआ, इसीलिए शाम को जाने से भी कोई फायदा नहीं है, तो कल सवेरे अमीन आएगा, अब उसकी नापी होगी। बाकी वो जमीन तो पूरे लोगों को पता, सबका ही था कि उसमें वो गड्ढा, सारी चीजें ये वो सब उसी में डलता था, पूरे गांव का पानी भी जाता था, सारी चीज उसी में जाता था।
रही और बात है, और बात कोई तो है नहीं इसमें। बता रहे थे वो कि आम का पेड़ उड़ लगा हुआ था मेरा, उसको भी तोड़ दिया गया। देखिए आम का पेड़ लगा, हमारा मकान वहाँ है और ये बात घटना हुआ है रात में। अब इस घटने को किसने किया, न किसी को देखा न पहचाना, कोई भी चीज होगा तो देखने में ना पता चलेगा कौन आया कौन गया। हमको भी पता चला, हमको सवेरे में मालूम हुआ कि उसका आम का दुगो पेड़ तोड़ दिया है। अब किसने तोड़ा वो तो तोड़ने वाला जानेगा या खुदा जानेगा। मोहम्मद मुर्शीद। अच्छा, क्या मामला है? मामला यही है कि गांव समाज का वहां पर बैठक होता था, सभी का भलाई था, शादी ब्याह का बहुत ऐसा फंक्शन था, तो वहां पर आज घेरावा हो रहा है, समझे नहीं, ये नहीं होनी चाहिए। कौन कर रहा है ये घेरावा? कर रहे हैं सफेद मियां जी और जावेद भाई, तो उनका लड़का। उनकी जमीन होगी तभी तो घेर रहा हूं। उनकी जमीन नहीं है, उनकी जमीन जहाँ तक है वहीं तक है। अच्छा, उससे ज्यादा स्टार नहीं है, उससे ज्यादा स्टार है भी तो समाज के अंदर में है। अच्छा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सरकारी जमीन है वो? सरकारी जमीन है। वो क्यों घेर रहे हैं? वो घेर रहे हैं क्या पता है, कब्जा करने के लिए। पहले से भी कब्जा कर चुके हुए हैं कुछ जमीन, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ जिस पर आदमी समाज से अपना वहाँ पर आराम कर रहा है उसको भी कब्जा करना चाह रहे हैं। यहाँ जो है वो समाजी जमीन है, हमको बैठक का जमीन वहाँ पर चाहिए तो चाहिए। अच्छा। और वहाँ पर जो समाज पूरे गांव में शादी ब्याह होता है तो वहीं पर बारात बैठता है, और वहाँ पर इम्बारा भी है। अच्छा। दोनों चीज वहाँ पर है। आज वहाँ पर का अगर इम्बारा हट जाएगा तो कल समाज कहाँ जाएगा? कल किसी की बेटी बहू की अगर शादी होगा तो कहाँ बारात बैठेगा? वो सरकारी जमीन है, किसी के निजी जमीन नहीं है। जो निजी जमीन था उसमें रोड बना दिया, और जो सरकारी जमीन है उसको कब्ज कर लिया। ऐसा मेरा नाम हुआ है अस्मिन खातून। यहाँ पे 10 डिसमिल जमीन है जो सरकारी है, उनको वो बता रहे हैं सभी अहमद साहब कि हम है ना 6 डिसमिल उसको बनवस्ती करवा रखे हैं। अच्छा। तो उसमें 4 डिसमिल फिर भी बचा हुआ है, जो हम लोगों को जात बारात के लिए काफी तकलीफ होता है, तो हम लोग सोचे कि इसमें ही मतलब है ना जात बारात रहे तो बेहतर है। जो 4 डिसमिल बचा हुआ है उसको अमीन साहब ला करके और उसको साइड करके हम लोगों को दे दिया जाए तो बेहतर है, हम लोग उनको इस्तेमाल करेंगे गांव ग्रामीण में तो बेहतरीन रहेगा। और इन्हीं के लिए विवाद हो गया, और चौक था, नलका था पानी का, पानी डबरा में जाता था, उसको इन्होंने उखड़वा दिया, डबरा में गाड़ दिया, उसी डबरा का जो अभी बवाल है वहाँ गाड़ दिया, सबसे साइंटिफ ले लिया अंगूठा, ये मदरसा बनावेंगे यहाँ। अच्छा। है ना, मदरसा बनावेंगे, अब वहाँ पर बुनियाद भी है बनावेंगे, इधर झांसा दे करके साइन टेप ले लिया सबका, बोले सब हमारे पक्ष में है गड्ढा बढ़ाने के लिए, समझे ना, गड्ढा को बढ़वा लिया। फिर उसका उसके ज्यादा भी कलकत्ता में हुआ, समझे ना, तो उसने बोला कि भाई ये हम बनवस्ती कर लिया 6 डिसमिल, बात तो सामने कल आ गई, कलेजा ठोक के बोलता है कि हम 5 लाख रुपया खर्चा करके इसको लिया है, किसके बाप की ताकत है, सुना था ना साहब? जी जी जी, सुने थे। कौन बोला ये बात? उनका लड़का, 5 लाख में लिया है, किसी के बाप की ताकत है या चढ़ जाएगा, कार देंगे, कार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मरवा देंगे, धकदा देंगे, इस छोकरा को धमकी मिल रहा है। सर मामला देख करके तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास होने के बावजूद भी क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और इसमें मेरे दादी का हाथ है। हाँ, उन्होंने मुझसे कुछ ज़मीन बदलाव किया था, वो सोच रहे कि वो भी ले लूँ ये भी ले लूँ, ठीक है, और मेरा ये कागज़ जो है कंप्लीट कागज़ है जो मैंने जिला अंचल अधिकारी को मैंने सौंप दिया है, ये 1987 का कागज़ है, ठीक है। अब मैं ऊपर वाले पे मैंने मुझे अपने आप पे भी भरोसा है और ऊपर वाले पे भी भरोसा है कि मेरा कागज़ देख करके मुझे न्याय मिलेगा। उन लोगों का कहना है कि जो है कि आप लोगों ने जबरदस्ती जमीन को कब्जा कर लिया है, वो के ताजिया वाला जमीन था? नहीं, वो एक जंगल था, उस जंगल को मैंने अपने घर के सामने हटा करके जब उसको मट्टी उट्टी डलवा दिया, थोड़ा अच्छा बना, तो उन लोगों का कहना कि नहीं ये जगह आप हमें दो, ऐसा कोई मामला नहीं है कि मैंने किसी का कोई कब्जा किया है, मेरे घर के सामने है। आप वहाँ मोहम्मद जावेद। बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि गलत तरीके से बंदोबस्ती करा लिया गया है, बताया जा रहा था कि 1988 का बोलम खाली है, उसका फ़ायदा उठा कर कर करके जो है वो बंदोबस्ती कराया जा रहा है। अभी इस बारे में हमको पत्र प्राप्त हुआ है, परिवादी हैं मोहम्मद गुड्डू जी हैं नानपुर के, एवं कुछ अन्य लोगों द्वारा हमको पत्र के माध्यम से ये बताया गया है कि मौजा नानपुर में कुछ लोगों द्वारा 29 लोगों द्वारा शायद
गलत बंदोबस्ती जो कि विभिन्न उच्च वर्ग से बिलोंग करते थे उनके द्वारा बंदोबस्ती का पर्चा बनाया गया है। इस संबंध में हम विधिवत जांच करवा रहे हैं, अगर गलत पर्चा उनके द्वारा यहाँ पाया गया हमारे पास तो उसको निरस्त करने की हम लोग कानूनी जो प्रक्रिया है वो करेंगे। हाँ, एक मामला हमारे संज्ञान में आया है कि आज कुछ लोग सफ़ी अहमद जो हैं वो चार दीवारी निर्माण का कार्य अपना कराना चाह रहे थे, उनका दावा है कि भूमि हमको बंदोबस्ती से प्राप्त है, जबकि अन्य स्थानीय लोगों द्वारा कहना है कि उनको किसी प्रकार की सरकार द्वारा कोई बंदोबस्ती नहीं की गई है। इसको लेकर थोड़ा सा झड़प टाइप का हुआ था इन लोग के बीच में, मामला अभी शांत है और हम लोग जाँच कर रहे हैं इस मामले की। सफ़ी अहमद जी से भी संपर्क करके उनको पर्चा उपस्थापित करने को कहा गया है और एक बार उनके द्वारा अपना भूमि संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है इस संबंध में। देखिए 1988 का मामला है ये, और दूसरी बात है कि बंदोबस्ती अगर सही में हुआ है कि नहीं हुआ है या कोई फर्जी कागज वो दिखा रहे हैं लोगों को, ये बात तो उनके द्वारा जो साक्ष्य है भूमि संबंधी वो हमें प्रस्तुत करने के बाद ही हम लोग कुछ कह सकते हैं इस मामले में। अगर बंदोबस्ती हुआ होगा, गलत तरीके से बंदोबस्ती हुआ होगा तो उसको हम लोग निरस्त करने के लिए जो भी कार्रवाई है वो करेंगे। एक और मामला है सर, के 2012 तक रसीद कट रहा है जिस शख्स का, 1988 में उसका जमाबंदी हो गया हुआ है। अब ये आवेदन हमको प्राप्त हुआ है, इस पर विधिवत जांच कराई जा रही है, अभी तो तुरंत हमको आवेदन प्राप्त ही हुआ है, तो विधिवत जांच होने के बाद ही इसके बारे में हम कुछ बोल सकते हैं।